एट लास्ट अब टमाटर गोश्त बन चुका है। सोचा कि टमाटर गोश्त के लिए अपने घर के गार्डन का टमाटर ही तोड़ लें, ताजे ऑर्गेनिक घर के उगे हुए टमाटर, इनका स्वाद ही लाजवाब है। टमाटर गोश्त में मुख्य रूप से शामिल होते थे टमाटर, उसमें मॉडिफिकेशन करके मैंने अपनी पुरानी रेसिपी में देखा कि और मिर्ची, बस ये छिलका अपने आप हटने लग गया है। इस तरह से सारे टमाटर का करीब करीब 1 किलो टमाटर इसमें इस्तेमाल होगा। उस 1 किलो टमाटर के छिलके निकालने, जैसा मैंने अपने कल के शॉर्ट्स में बताया था, टमाटर 850-900 ग्राम टमाटर हैं जिनका छिलका उतार लिया गया था। 1 किलो गोश्त है मटन बकरे का मीट, प्याज हैं 2 छोटे, 2.5 प्याज छोटे, अदरक मिर्ची कम से कम भी नहीं तो ये मिर्ची 250-350 ग्राम होगी, और अदरक के टुकड़े, लहसुन। अब इसके अंदर डालेंगे करीब करीब भी नहीं तो मक्खन है 100 ग्राम और 150-200 ग्राम है इसके अंदर घी। प्याज को डाल दिया है, इसको भूनेंगे लाइट ब्राउन होने तक, थोड़ा सा डार्क ब्राउन की तरफ जाते ही तब अगला स्टेप करेंगे, थोड़ा सा अच्छी मिठास आएगी, अच्छा फ्लेवर आएगा घी और बटर में, सारा का सारा प्याज का फ्लेवर अच्छा लगेगा। प्याज ने रंग पकड़ लिया है, अब हम इसमें डालेंगे मटन, अब आंच एक बार तेज ही कर दें ताकि मटन पे सही एक बार सियरिंग इफेक्ट आ जाए, जिसे कहते हैं हल्का सा कलर बदलना, लाइट ब्राउन करना है मटन को थोड़ा सा। अभी मटन कलर पकड़ेगा, साथ ही डलेगा इसमें 1 टीस्पून नमक, क्योंकि बटर में भी नमक होता है इसलिए 1 टीस्पून नमक। हाँ, 1 टीस्पून हल्दी और मिर्ची, मिर्ची शुरू में ही डालनी है सारी। अब इसको पकने के लिए तेज आंच पे ही पकाएं। अभी रंग बदलते ही मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या आता है। मटन ने हल्दी का कलर पकड़ लिया है, नमक जज्ब हो गया है, प्याज और अपने मटन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसको आप कलर देख सकते हैं, अब काफ़ी कलर बदल चुका है और अपनी शेप पकड़ ली है मटन ने। तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें इसको और भूनना है, जब तक पानी बिल्कुल, जो मटन का निकला हुआ पानी है, कि लगभग ख़त्म ना हो जाए। डार्लिंग एल्सा, जब भी किचन में काम करते हैं यहीं बैठी रहती है। भुनाव चालू रहना चाहिए भाई लोग, आप सबसे देखिए ये काम, जैसे रणवीर बराल जी बोलते हैं, भुनाव चालू रहना चाहिए, हिलाते रहें और भुनाव जारी रखें। अच्छी तरह से घी अब सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, और डालेंगे इसके अंदर गार्लिक, जितना दिखाया था गार्लिक आपको उसका आधा ही इस्तेमाल हुआ है। अब ये साथ में पकेंगे दोनों और फिर इसको भुनाई करेंगे। आपको ये मैंने बताना
जरूरी समझा है कि जो ये मटन है इसको धोने के बाद नमक के पानी में 4 से 5 घंटे मिनिमम रखना है। 1 किलो मटन है तो मतलब 2 टेबलस्पून नमक और पानी में डाल के उससे मटन के अंदर की जितनी भी हीक होती है, कई लोगों को मटन की स्मेल आती है, और इसके साथ साथ जो मटन की पोरोसिटी होती है सेल वॉल्स की, प्रोटीन की, उसमें मदद मिलती है जल्दी ब्रेक डाउन होने में और फ्लेवर अंदर तक जाता है, क्योंकि नमक सारा का सारा जो मटन का पानी है उसको एक्सट्रैक्ट करके फ्लेवर एनहांस करने के लिए एबल बनाता है। मटन को आप देख सकते हैं अच्छी तरह से रंग पकड़ चुका है, कलर आ गया है, शेप आ गई है, और इसके अंदर अब से जो इसका जो इंटरनल पानी था वो सब रिलीज हो चुका है। ये जिसको रोगन कहते हैं वो अलग हो गया है बिल्कुल। अब हम इसको कम आँच करेंगे। अभी तक हमारा 180 डिग्री सेंटीग्रेड 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रहा था, अब इसको करेंगे कम 120 पे, यानी कि आँच कम। गैस के हिसाब से ये हाई फ्लेम पे था और अब इसको कर देंगे 120 पे, और अब इसको आप हल्का हल्का अपने आप भूनने दें। अभी इसको कवर नहीं करना है, कवर करना है तो अगर आप इसके अंदर जब बिल्कुल भाप निकलनी कम हो जाए तब आप कवर करें। अभी इसको खुले में ही ऐसे हिला, हल्के हल्के, अब आपको तेज़ी से नहीं हिलाना है, हल्के हाथ से हिलाएं और इसको लाइटली भुनने दें। मटन भुन चुका है, सारा पानी ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है, सारा रोगन मसाला सब सही है। आप देख सकते हैं मटन कितना गला है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखिए लगभग आधा हो चुका है, तो यह टाइम है डालने का इसके अंदर फर्दर मसाले। तो 1/4 टीस्पून डलेगा इसमें गरम मसाला, 1 टीस्पून फुल हीट डलेगा इसके अंदर भुना जीरा। इसको हिलाते हैं, इसको हिलाने के बाद बस मिल गया है, कलर आ गया है, खुशबुएं निकल रही हैं। ये सिंपल चीज़ें इतना सुख देती हैं कभी कभी। अब डालेंगे इसमें साथ ही टमाटर और अदरक। पहले आपको मैं बता देता हूँ, अदरक ये जो था ये घर का था इसलिए कम डाला था, इसको पतला पतला सिर्फ स्लाइस करा है, इसका पेस्ट नहीं बनाना है। अदरक डाल के थोड़ा सा हिला दें, अदरक डाल के हिला दिया है, कलर आप देख सकते हैं कलर कहाँ से आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। अब डालेंगे इसमें टमाटर, ये छिलके उतरे हुए टमाटर थे जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सारे टमाटर डल गए हैं। अब वापस आंच को बढ़ाना है एक बार ताकि इसका टेम्परेचर मीट का ठंडा ना हो। अब भुनाव का टाइम वापस आ गया है, दूसरी भुनाई के लिए चालू हो जाओ। पहले तेज आंच पे भुनेंगे, फिर कम आंच पे भुनेंगे पकने तक। टमाटर गोश्त का सबसे बड़ा जो मज़ा है वो ये है कि इसमें आपके हाथों की पूरी वर्जिश हो जाएगी, आपका टाइम अच्छा पास हो जाएगा और चीज़ ऐसी बन के निकलेगी कि आप कहेंगे वाह वाह पहले क्यों नहीं बना। तेज आंच करने से फ़र्क पड़ गया है, टमाटर और ग्रेवी में झोल में उबाला आ चुका है। अब इसको थोड़ी देर और तेज आंच पे पकाना है और फिर हम इसको ढक के पकने देंगे पूरा होने तक। इसमें लगेगा कम से कम अभी 15 मिनट और। काम चालू है, अब कम टेम्परेचर पे भुनाई हो रही है, टमाटर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, ग्रेवी गाढ़ी होती जा रही है। इस मौके पे आपको इसको बार बार स्क्रेप करना पड़ेगा वरना नीचे लग जाएगा कढ़ाई में, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बीच बीच में हर 5 मिनट में आपको इसको एक बार हिला दें
ताकि इसका पूरा का पूरा फ्लेवर सेट हो जाए, और फिर वापस ढक के ही पकाएं। एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस, मुझे लग रहा है कि जयपुर में अर्थक्वेक आ रहा है, काफ़ी ट्रेमर्स फील हुए हैं, लेकिन अपन बात अपनी जारी रखते हुए देखते हैं कि रोगन ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इसको थोड़ा सा हिलाते हैं, आपको दिखाते हैं, आप कलर देख सकते हैं, आप फील देख सकते हैं, मतलब कि ये बनाने में अगर आपके मुंह में पानी ना आए तो कुछ गड़बड़ है। इतनी सिंपल रेसिपी लेकिन इस अलग अंदाज में बन रही। अब मैं